हेलो फ्रेंड्स, जागृति वेज फूड में आपका स्वागत है और मैं हूँ जागृति भट्ट। आज हम भुने हुए चने में से रेसिपी बनाएंगे जो आप 5 से 10 मंथ तक बच्चे को दे सकते हैं, छोटे बेबीज़ को। इससे उसकी एनर्जी बनी रहेगी। फ्रेंड्स, रोज़ नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाजू में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे भुने हुए चने लिए हैं मैंने, इसके छिलके निकाल दिए। इसे हम मिक्सर जार में डाल के इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे। एकदम फाइन पेस्ट करना है हमें, बिल्कुल आटे जैसा हो जाना चाहिए। अभी हम इसको आटे छानने की छलनी से छान लेंगे। एकदम बारीक वाला आटा जो हम छानते हैं वही छलनी लेनी है। तो अच्छे से छानने के बाद हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 1/2 कप जितना मैं लूँगी जो हमने तैयार किया है भुने हुए चने का आटा, वो लेंगे। और यहाँ पे हम 1 बड़े चम्मच जितना हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जितना घी। घी की मात्रा जो है आप ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा या कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखो इस तरह का तैयार हो गया। अभी इसके हम बनाएंगे लड्डू। आप चाहे तो इसे ऐसे ही डिब्बे में भर के रख सकते हैं फ्रेंड्स। लड्डू बनाएंगे, बच्चों को अच्छा लगेगा। छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे एकदम, या फिर आप बड़ा सा लड्डू बना के भी रख सकते हैं। तो देखो ये तैयार कर लिया। तो फ्रेंड्स बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जागृति इस वेज फूड पर शेयर करें। बताएं कैसी लगी आपको रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।